संभाल लिया। गाजा से हमास को मिटाने के लिए इसराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। और इसी कड़ी में इसराइल की सेना की महिला ब्रिगेड भी जंग के मैदान में उतर गई। इसराइल गाजा बॉर्डर के पास से आए एक वीडियो में इसराइल की सेना के अधिकारी एक सैन्य टुकड़ी को जानकारी साझा करते दिखे। इस दौरान इसराइल के पुरुष सैनिकों के साथ कई महिला सैनिकें भी नजर आईं, जो खतरनाक हथियारों से लैस दिखी। रूस के दागिस्तान से इसराइल से आई फ्लाइट को डायवर्ट किया गया है। फिलिस्तीन समर्थकों ने एयरपोर्ट को घेर लिया था, जिसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट करना पड़ा। खबरों के मुताबिक भीड़ फ्लाइट में इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने के लिए ढूंढ रहे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फिलिस्तीन समर्थकों को फ्लाइट के बारे में जैसे ही जानकारी मिली, लोग टर्मिनल और हवाई पट्टी पर तोड़फोड़ करने लगे, जिसके बाद तेल अवीव से आई फ्लाइट को दूसरे एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर हंगामे को देखते हुए एयरपोर्ट को भी फिलहाल बंद किया गया है। इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने का ये बड़ा गंभीर आरोप लगा है। रूस में इसराइल से आई फ्लाइट को डायवर्ट किया गया है। फिलिस्तीनी समर्थकों के हंगामे के बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया। वहां हवाई पट्टी पर तोड़फोड़ भी की गई और हंगामा किया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि एयरपोर्ट को भी फिलहाल एहतियातन वहां बंद करना पड़ा है। किस तरीके से यहां हंगामा किया गया और झड़प भी हुई, तोड़फोड़ की गई, उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। और ये तस्वीरें बता रही है कि रूस में जो हुआ वो सही नहीं था, और इसकी वजह से इसकी निंदा भी की जा रही है। फिलिस्तीन समर्थक जो थे वो इसराइल के नागरिकों को, जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि इसराइल के नागरिक वहाँ पहुँच रहे हैं, उन्हें निशाना बनाने की फिराक में थे, और यही वजह रही कि फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया। लेकिन किस तरीके से एयरपोर्ट के अंदर रनवे पर, वहाँ हवाई पट्टी पर और बाहर कैसे तोड़फोड़ की गई है, उसकी कुछ झलक सामने आई है। यहाँ भीड़ की तादाद आप देख सकते हैं, जोरदार हंगामा किया गया, सामानों को नुकसान वहां पहुंचाया गया है। उनके निशाने पर दरअसल इसराइल के नागरिक थे। और इस बीच इसराइल के रक्षा मंत्री ने बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। हमास ने जंग के पहले दिन इसराइल में 200 से ज्यादा लोगों को अगवा कर लिया था, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। अगवा किए गए लोगों को हमास के लड़ाके अपने साथ गाजा में ले गए थे, जिनकी तलाश में इसराइल की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन जंग के 24वें दिन तक बंधकों को छुड़ाना तो दूर की बात, इसराइल उनका पता तक नहीं लगा पाया। इस बीच इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने बंधक बनाए लोगों के परिवार वालों से तेल अवीव में मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिया कि जल्द ही उनके परिजनों को हमास की कैद से छुड़ा लिया जाएगा। और उधर हमास से जारी जंग के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री ने अपनी नेवी के जवानों से मुलाकात की। बीते कुछ दिनों में इसराइल की नौसेना ने हमास की घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम किया है, क्योंकि इसराइल पर जमीन और हवा से बमबारी करने वाले हमास के लड़ाके समंदर के रास्ते भी इसराइल में घुसने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन इसराइली नेवी की मुस्तैदी ने हमास की हर साजिश को नाकाम कर दिया, इसलिए इसराइल